इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाला है। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग से मिलकर गठबंधन की तरफ से 3 प्रमुख मांग की जाएगी। पहली मांग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक वीवीपैट में पर्ची का मिलान कराने की है। दूसरी मांग पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कराने की है। तीसरी मांग राउंड के बाद प्रत्याशियों को डेटा बताए जाने की है। सबकी संतुष्टि के बाद ही अगले राउंड की काउंटिंग शुरू की जाने की ये मांग इंडिया गठबंधन की है, जो आज चुनाव आयोग से मुलाकात करके अपनी ये मांगे रखेगा। शिवम हमारे सहयोगी और जानकारी देने वाले हैं। शिवम, ये मुलाकात कितने बजे होनी है और क्या एग्जैक्ट मांग कर रहा है इंडिया गठबंधन 4 जून को नतीजों के लिए? तो हमारे सहयोगी से हम संपर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानकारी ले लीजिए, ये विक्ट्री शो करता हुआ इंडिया गठबंधन जिनके खिलाफ आ रहे हैं एग्जिट पोल में नतीजे। अब ये एग्जिट पोल के नतीजे अगर एग्जैक्ट साबित हो जाते हैं तो बड़ी चिंता यहाँ विपक्ष के लिए हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो जानकारी मिल रही है, आज ये डेलीगेशन पहुंचने वाला है इलेक्शन कमीशन। शाम 4:30 बजे का समय है जब चुनाव आयोग से मुलाकात की जानी है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और 3 प्रमुख मांगे रखी जानी है। वही 3 प्रमुख मांगे अपने सहयोगी से हम जानेंगे विस्तार से कि आखिर क्या है वो 3 प्रमुख मांगे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए। शिवम हमें जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। शिवम, 3 प्रमुख मांगे कौन सी होने वाली है इंडिया गठबंधन की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के दौरान, विस्तार से बताइए। देखिए, पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है उसको लेकर लगातार हमलावर रहा है। चुनाव इंडिया गठबंधन का ये कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लगातार समय मांगे। कल इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि आज शाम 4:30 बजे का समय मिला है, इस दौरान इंडिया गठबंधन इलेक्शन कमीशन जाएगा और 3 बड़ी और महत्वपूर्ण मांगे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए हैं उस अनुसार वीवीपैट का मिलान हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि 45 दिन तक ईवीएम सुरक्षित रखी जाए। दूसरी बड़ी मांग इंडिया गठबंधन ये कर रहा है कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनकी काउंटिंग ईवीएम से पहले हो। अभी आमतौर पर पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग होती है वो ईवीएम काउंटिंग के बाद होती है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन का ये मानना है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले होनी चाहिए। तीसरी और बड़ी मांग ये है कि जब एक राउंड की मतगणना समाप्त हो जाए तो सभी प्रत्याशियों को डेटा सार्वजनिक किया जाए, उनको बताया जाए, और जब किसी को भी कोई आशंका ना रहे उसके बाद ही अगले राउंड की काउंटिंग शुरू हो। हालांकि अभी तक ये प्रक्रिया नहीं होती है, सबको डेटा दिया जाता है लेकिन सभी से ये नहीं पूछा जाता कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। इंडिया गठबंधन ये 3 प्रमुख मांगे कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वीवीपैट का मिलान हो, दूसरी बड़ी मांग है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले हो। शिवम, इस डेलीगेशन में कौन कौन शामिल होने वाला है? देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल है, सपा, आरजेडी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन सभी के प्रतिनिधिमंडल 4:30 या 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे और अपनी वहां पर 3 जो बड़ी मांग है। तो नतीजों से पहले ये इंडिया गठबंधन की एक मांग जिसके लिए शाम 4:30 बजे मुलाकात होनी है इलेक्शन कमीशन में जाके, इस पर हमारे सहयोगी शिवम जानकारी दे रहे थे। शिवम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी दे। तो एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बंपर सीट मिल रही है। एनडीए को 2009 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। बीजेपी को यूपी में 68 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं 68 से 71 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की आप बात करते हैं तो 9 से 12 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को दिखाया जा रहा है। और अगर आप अकेले कांग्रेस की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो 3 से 6 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगर आप यूपी में आंकड़ों की बात करते हैं तो इस लिहाज से पिछली बार से बढ़त बनाते हुए और जो अनुमान बीजेपी ने जताया है उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आप देख पाएंगे एग्जिट पोल के नतीजे। एग्जिट पोल के ये नतीजे नहीं कहे जाएंगे, ये सिर्फ अनुमान अभी कहा जाएगा, 4 जून को सटीक नतीजे आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल जो अनुमान दिखा रहा है उस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं वो सुनिए।
एग्जिट पोल ने यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। समाजवादी पार्टी के नेता के मंच को उनके ही गुंडों ने तोड़ दिया। कई बार ये रैली नहीं कर पाए, मीटिंग नहीं कर पाए, इनको हाथ जोड़ करके वापस आना पड़ा और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है, जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जनता ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर भरोसा जताया है और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। सुनिए, नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था और विश्वास देश की जनता ने व्यक्त की है, उनके गारंटी के प्रति, ये दर्शाता है कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। जिस पार्टी को लोग उत्तर भारत की पार्टी कहते थे, आज दक्षिण भारत में अपना प्रदर्शन, पुरजोर प्रदर्शन नरेंद्र मोदी का हुआ है। पूरे देश में एक नरेंद्र मोदी सब पर भारी। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को गलत बताया है। या तो महाबेईमानी की तैयारी है और एग्जिट पोल जो कल दिखाया गया, इनका सैंपल साइज कितना है, कैसे इनको पता लग जाता है, सब मैनेज्ड है और हम इसमें विश्वास नहीं करते। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल को लेकर वाराणसी के लोगों की क्या राय है, देखिए। न्यूज 18 का सबसे बड़ा एग्जिट पोल, साइंटिफिक सर्वे जो हुआ है पूरे एग्जिट पोल पर, वो नतीजे आ गए हैं और उस पर एनडीए की सरकार बनते दिख रही है। नतीजे साफ हो जाएंगे 4 जून को, लेकिन इस सर्वे के बाद लोग क्या सोचते हैं, इसके लिए हम वाराणसी में हैं और वाराणसी में आप ये देखिए चाय की दुकान है और वहाँ पर चाय पकत हो। तो अब हम बात भी कर लेते हैं, पहले गुरु से ही बात कर लेते। गुरु महादेव, महादेव चाय पकत हो। अब तो एग्जिट पोल भी आ गल, एग्जिट पोल में दिख रहा कि एक बार फिर जो है मोदी जी बनियन प्रधानमंत्री, क्या लगा? तो एग्जिट पोल प्रधानमंत्री बनना तो पहले से ही तय था और मोदी जी के संकल्प को 400 पार की बनारस की जनता ने और बनारस की भाजपा के कार्यकर्ता ने मेहनत करके पूरा किया है। तो क्या लगा था जो न्यूज 18 का एग्जिट पोल आ था, वो बिल्कुल सटीक हो? एकदम 400 पार हो। अच्छा। मैं कोई शक और गुंजाइश नहीं हो, कोई शक और गुंजाइश ना हो तो जो है यहाँ से चला था। तो हम एक दो लोगों से क्या गुरु लगा था 400 पार हुई? एकदम हो गया, लगत ना हो गल। एग्जिट पोल पे एग्जिट पोल सही लगा था न्यूज 18 का जो एग्जिट पोल हो जिसमें सरकार बन रहा फिर एक बार मोदी जी का? मोदी जी पहले ही बोल रहे थे 400 पार, मतलब 400 पार जनता बस उसको खाली लागू करे के दे रही हो, लागू करे के दे रही हो। का गुरु आपके भी लगा था 100% 400 पार हो? हम मोदी जी जो बोल रहे कर दे पहले से। अच्छा, मतलब जो मोदी बोल देने कर दे एकदम एकदम आना ही है, यहाँ के सांसद है तो यहाँ तो 400 पार होना ही होना है। गुरु क्या लगता है आपको, अब तो जो है एग्जिट पोल भी आ गए, न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार फिर बनते दिख रही है, प्रधानमंत्री फिर एक बार प्रधानमंत्री बनते? हाँ, फिर भाई मोदी सरकार बनने जा रही है, बहुत उम्मीद है पब्लिक को कि कुछ और जो नए जो है जो डेवलपमेंट्स होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ग्रीन एनर्जी तक जो लेकर के जो है सब जो है काफ़ी जो है अच्छे डिसीजंस होंगे और देश जो है काफ़ी जो है तरक्की करेगा जो है। आपको लगता है कि जो एनडीए का जो सरकार बनते न्यूज 18 के एग्जिट पोल में, हमारे यहाँ जो एग्जिट पोल हुआ है उस पर सरकार बनते दिख रही है, तो क्या लगता है 4 जून को यही एग्जिट पोल ही एक्यूरेट पोल होगा? निश्चित तौर पे इसी के आसपास रहेगा और ये तो तय है कि मोदी जी की सरकार बन रही है और बनारस वाले मोदी जी को ढेर सारी बधाई देते हैं और हर हर महादेव। तो एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाते हुए दिख रही है। वहीं प्रयागराज में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के लिए खास दुआ मांगी है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
नतीजे आने हैं 4 जून को, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल दिखा रहा है कि किस तरह से 400 की दिशा में बढ़ती हुई बीजेपी 400 पार के नारे को सत्य कर रही है। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए हैं, अब इसके बाद नतीजों की बारी है। हालांकि तमाम एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में बुर्का नशी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने इसके लिए विशेष नमाज अदा कर रही हैं और इसके साथ ही साथ दुआएं मांगी जा रही हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम बहनें हैं जो कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। उनके सिर पर बीजेपी की टोपी है, हाथों में पीएम मोदी की तस्वीर है और मन में दिल में यह ख्वाहिश है कि देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से पीएम मोदी ही बने। हम मुस्लिम बहनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज किस तरह की दुआ वो मांग रही हैं। आज ये बताइए कि क्या नाम है आपका और किस तरह की दुआ और नमाज आपने अदा की है और किसके लिए की है? आज हम लोगों ने मोदी जी के लिए दुआएं मांगी हैं, नमाजें अदा किया है कि नमाज़ पढ़ के हम लोग जितनी मुसलमान महिलाएं हैं सब लोग ने दुआ किया है कि नमाज पढ़ के कि तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से बने। तो आपकी आपको विश्वास है पूरा कि आपकी जो ये नमाज है जो दुआ है ये कबूल होगी? इंशाल्लाह ज़रूर, हम लोगों ने बड़ी लगन और मेहनत से नमाजें पढ़ी, बड़ी इबादत की है कि मोदी जी फिर से तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री बने, क्यों इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला हम लोगों की दुआ कबूल करेगा। अच्छा, आप लोगों ने चुनाव प्रचार भी किया था बीजेपी का, तो किस तरह से चुनाव प्रचार किया था और क्या लोगों से अपील करी थी उस समय? हम लोगों ने प्रचार में मेहंदी लगाए थे, अपने हाथों में मेहंदी लगा लगा के घर में गए, हर घर में गए थे, वहाँ दिखाया था कि देखिए हम लोगों ने मेहंदी लगाया है और आप लोग भी जो है जितनी मुसलमान महिलाएं हैं सब मोदी जी को सपोर्ट करें और जो है फिर से मोदी जी बने। आज किस तरह से दुआ आप लोगों ने यहाँ पर किसके लिए की है और क्या कामना की जा रही है यहाँ पर? मेरा नाम यास्मीन खान है और हम लोग सब लोग मिलकर मोदी जी के लिए दुआ किए हैं कि मोदी सरकार फिर से आए। हम लोग चाहते हैं कि वो आके फिर से इससे अच्छा और ज़्यादा काम करें। अच्छा, क्या वजह है कि फिर से आप चाहती हैं कि मोदी जी की सरकार देश में बने और एक बार फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बने? हम लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, हम महिलाओं को सुरक्षा दी है, 3 तलाक से आज़ाद कराया है। किस तरह से दुआ आप लोग कर रही हैं, किसके लिए और हाथ में तस्वीर किसकी है? जी, हमारा नाम सेबा बेगम है, ये मोदी जी की तस्वीर हम लिए हुए हाथ में, उनके लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं कि वो तीसरी बार फिर आए और प्रधानमंत्री बने। जी हाँ।